नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना प्रथमे नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नुआ जुगर आरंभ प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने को कैबिनेट ऐतिहासिक निष्पत्ति एणिके सरकारी स्कूल में भी आरंभ हो प्ले स्कूल समग्र शिक्षा 2.0 योजना को कैबिनेट मंजूरी टोक्यो रे 2-1 गोल रे अर्जेंटीना ठारु हारिला भारतीय महिला हॉकी दल तथापि रहिछि पदक आशा आगो को ब्रोंज पाइ ग्रेट ब्रिटेन सह हेब लढे विरंचिंग को पाइ बढ़िला अड़ुआ विजिलेंस परे घांटी बैडी विरंचिंग कर आकांक पाखरे पहुंची पारिबो त इटी तदंत परिसर भुक्त हेबे ना नाही बड़ ऑफिसर सौम्य मृत्यु मामला न्याय पाई एबे मुख्यमंत्री भरोसा न्याय न मिलले आत्माहुति दबा को चेतावनी देले सौम्यंक मां मुख्यमंत्री डीजीपी पीसीसीएफ को जणाईथिले मध्य केही देलेनी न्याय प्रश्न डीएफओ को सुरक्षा पाई ऊपर महलुरु पडुछि कि चाप खूब शीघ्र श्री जगन्नाथ मंदिर खोलिबा नै आसिपारे निष्पत्ति चालिछि छत्तीसा निजो बैठक श्रीमंदिर मुख्य प्रशासकंक अध्यक्षतारे बैठक मंदिर खोलिबा नै आसिबो एसओपी ओडिशा रे केंद्रीय योजनार हरी लूट लोकसभा रे धरा पड़ा सरकार का आवास दुर्नीतिर सत मंत्री व सचिव को खसाइबा को तलिया कर्मी को ऊपर हेउछि कार्यानुष्ठान बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी को प्रश्न रे आवास दुर्नीतिर मिछ को पदारे पकाइला विभागीय मंत्री स्वाधीन निरंजन ज्योति को उत्तर राज्य में सरकार का ग्राम्य उन्नयन चली ठिकादार पोषण जाजपुर आरडी डिविजन रु बन्या व बात्या आल में खाईगले कोटि कोटि टंका विवाद सामना को आसिबा परे चर्चा रे जिल्लार गंडा गंडा विधायक मलकानगिरी जिला को माड़ी आसुची पोलाभरम विवाद बुड़ब मोटु समेत 130 गांव आंध्र आरंभ हलाणी थैथान चुप बसी राज्य सरकार दुर्दिन छौ कलाकार महामारी छड़ाई नहीं रोजगार प्रशासन की सरकार बुझुना दुख बुड़ाक बसला कौलिक वृत्ति स्कूल शिक्षा क्षेत्र में आरंभ हो नुआ जुग सरकारी स्कूल रे मध्य आरंभ हो प्ले स्कूल बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षत बसी केन्द्र कैबिनेट रे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति देशरे समग्र शिक्षा दुई योजना को मोदी कैबिनेट रो मंजूरी मिली 2,94,000 कोटी टंकार समग्र शिक्षा योजना दुई केन्द्र सरकार का महत्वाकांक्षी योजना एथस तो प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशु प्ले स्कूल परिकल्पना करा जाएगी। स्कूल शिक्षा क्षेत्र में नुआ जुगर आरंभ प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने दिगरे मोदी कैबिनेट रो ऐतिहासिक निष्पत्ति एणिकि सरकारी स्कूल रे भी आरंभ हो प्ले स्कूल समग्र शिक्षा 2.0 योजना को कैबिनेट रो मंजूरी बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षत बसी केन्द्र कैबिनेट रे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक निष्पत्ति देश में समग्र शिक्षा योजना 2.0 को कैबिनेट रो मंजूरी मिली 2,94,000 कोटी टंकार केन्द्र सरकार को एक महत्वाकांक्षी योजना हूँ समग्र शिक्षा 2.0 एप्रिल 1, 2021 रु मार्च 31, 2026 पर्यंत यह कार्यकारी हेबो यह अधीन दूरदूरांतर शिशु को परिवहन सुविधा दिया राज्य गुड़ी मध्य आर्थिक सहायता प्रदान सेपटे प्रथम थर पर देश में 3 वर्ष शिशु प्ले स्कूल परिकल्पना कर सरकारी स्कूल में प्री प्राइमेरी व्यवस्था आरंभ कर शिशु प्रारंभिक 4 वर्ष शिक्षा को अधिक सुदृढ़ करने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया स्कूल रे खेल को प्रोत्साहन करने अतिरिक्त ग्रांट प्रदान केवल एति नुहे प्रथम थर पर शिशु सुरक्षार दायित्व भारत सरकार ने समग्र शिक्षा दो आज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल की माध्यम से सीखने
का उपक्रम पे जुड़ेगी। प्रधानमंत्री जी की जो चार बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये चार बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। सेहिपरि महिला एवं शिशु यौन अपराध क्षेत्र में त्वरित न्याय प्रदान पर फास्ट ट्रैक कोर्ट आगामी 2 वर्ष काम कर केंद्र कैबिनेट रो अनुमोदन मिली। माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए, इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं, वो कुल वह इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। शिक्षा क्षेत्र में संस्कार आने दिगरे गोटे पर गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति ग्रहण करछंती केंद्र सरकार। निकट रे नूतन शिक्षा नीति 2020 रो 1 वर्ष पूर्ति अवसर रे प्रधानमंत्री प्रथम श्रेणी पिलांक पई विद्या प्रवेश मॉड्यूल रो शुभारंभ करथिले। एहा स देशर शिक्षा क्षेत्र रे क्रांतिकारी परिवर्तन आसुचि बोली कहिथिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आमे आज हारिबा कथा कहिबोनी कारण एहा पराजय नुहे, सुना रूपा न मिलला नाही, आमो पाखरे हीरा अछंती। सारा दुनिया सेमान को चमक देखिला भारतीय महिला हॉकी टीम जदियो सेमीफाइनाल रे अर्जेंटीना रो 2-1 रे पराजय होईची किंतु एबे भी तांको पाखरे ब्रोंज पदकर सुजोग रहीची। एबे ब्रिटेन सह महिला हॉकी ब्रोंज पाई मैच खेलिबो। अर्जेंटीना भले शक्तिशाली टीम आगरे भारतीय महिला हॉकी टीम जे भले भाबरे खेल प्रदर्शन करिची ताको सारा विश्व देखिला। आज हारि भी समस्तक मन जीति नेछंती देशर छियो। टक्कर भितरे शेष होईची ओलंपिक महिला हॉकी सेमीफाइनल। ब्रोंज पदक पाई पुणी लड़िब टीम। मैच आरंभरु 1-0 रे आगुआ थिला भारतीय दल। विश्व चंपियन अर्जेंटीना रो करिथिला कड़ा मुकाबिला। प्रथम थर पाई सेमीफाइनल को प्रवेश करी रचिची इतिहास। अर्जेंटीना विपक्ष रे निजर समस्त सामर्थ्य सहित लड़िबा सत्वे सेमीफाइनल रे पराजय स्वीकार करिछि भारतीय महिला हॉकी दल। तथापि भारत हॉकी दल को पदक मिलिबार आशा बजाय रहिछि। ब्रोंज पदक पई ग्रेट ब्रिटेन सहित परवर्ती मैच खेलिबो भारत। फर्स्ट क्वार्टर आरंभरु लड़ुआ प्रदर्शन जारी रखतिले भारतर 16 जन दिग्गज महिला खेलाड़ी। प्रथम क्वार्टर रे मात्र 2 मिनिट मध्यरे भारत तरफरु गुरजीत कौर पेनाल्टी कर्नर नै प्रथम गोल स्कोर करी अर्जेंटीना को विव्रत कर देथिले। विश्वर 2 नंबर अर्जेंटीना दल प्रथम क्वार्टर आरंभरु भारतीय दल उपरे चाप सृष्टि करबाकु चेष्टा करथिले मध्य भारतर डिफेंडर माने दृढ़ भावरे प्रति मुहूर्त रे अर्जेंटीना को गोल करिबारु अटकाइबा पई पूरा प्रयास करथिले। तथापि द्वितीय क्वार्टर रे भारत उपरे चाप प्रयोग करी अर्जेंटीना रो अधिनायक गोल स्कोर करी 1-1 गोल रे स्कोर समान करथिले। तृतीय क्वार्टर रे भारत खेलाड़ी माने चाप मध्यरे थाई मध्य पूर्ण क्षमता सह खेल प्रदर्शन करथिले ओ गोल करिवार प्रयास जारी रखथिले किंतु खेलर शेष मुहूर्त रे अर्जेंटीना दल आउ एक गोल स्कोर करी 2-1 रे लीड करथिला। सूचना योग्य क्वार्टर फाइनल रे 3 थर चंपियन होइतिबा ऑस्ट्रेलिया को। एबे आसंतो सुनिबा राज्यवासी को मुख्यमंत्री को संबोधन। प्रिय भाई और भोनी माने नमस्कार। कोविड और सेकंड वेव को मैनेज करिबारे आपन माने जे परि एडमिनिस्ट्रेशन को सहाय्य सहयोग जोगाई देले सेति प्राइम आपन मान को समस्त को धन्यवाद जनाउछी। सेकंड वेव समय रे अन्य राज्य मान कर जे परि अवस्था आमे देखिले उड़ीसा रे से परिस्थिति कोई नथिला। आम समस्तंकर विशेष करी
ଆମର ଡକ୍ଟର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ଼ କେସ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ଼ କେସ୍ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତରେ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଓ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ସତର୍କ କରି ସାରିଲେଣି। ଓଡ଼ିଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନଲକ୍ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ଓ ଅନ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ମ୍ୟାନରରେ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଅନଲକ୍ କରିଛୁ। ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଉଭୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଅନଲକ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୋଭିଡ଼ ବିପଦ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଏବେ ବି ଆମ ଆଖ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ରୂପ ବଦଳାଇ ଗୁରୁତ୍ୱର ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସତର୍କତାର କେବେ ବି ଢିଲା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିଛି, ତଥାପି ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଘରେ ବା ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିଡ଼ କରିବା ନାହିଁ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନଲକ୍ ପରେ କେତେକ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ନିଜ ପ୍ରିୟଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବିପଦକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛି। ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂକ୍ରମଣ ବହୁ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। କେବଳ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ କମ୍ କରି ଦେଇପାରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଠାରୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର ଭୟ ରହିଛି। ଆମର ଡକ୍ଟର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନ ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ।
ଆମର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଦୟାକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିରାପଦ ଭାବରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। सीधासळख आपण देखुथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्यवासींको संबोधन करुथिले। लगातार भावरे कोरोना द्वितीय लहररे सहयोगिता एवं समभावपन्नता देखेथिबारु समस्तंक क्षेत्ररे से ऋणी बोली कहुथिले। एवं परवर्ती खबरको वर्तमान आसिबा, जगन्नाथ प्रेमींको पई खुशी खबर। आसंता 16 तारिखरे खोलिबो श्रीमंदिर। छत्तीसा नियोग बैठकरे नियागला गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। प्राथमिक पर्यायरे प्रथम पांच दिन पुरीवासींको दर्शनर सुयोग मिलिबो। 23रु समस्त भक्त श्रद्धालु पाइबे जगा दर्शनर सुयोग। कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचेत टीकार दुईटी डोज देखाइबा बाध्यतामूलक। श्रीमंदिर भितरे कोविड कटकणाकु गुरुत्व दियाजिबो। आसंता 16 तारिखरे श्रीमंदिर खोलिबो। वर्तमानर बड़ खबर उपरे आमे नजर पकोउछु। छत्तीसा नियोग बैठकरे एभळे एक निष्पत्ति निया जायछि। गतवास थिला 8टा पर्यंत सेही पर्यंत दर्शन चालू रहिबो। सेम कटकणा समस्तंकर सेम कटकणा समस्तंकर समान रहिबो। दुई दिन सप्ताहले शटडाउन रे सॅनिटायझेशन होबार रहिछि व्यवस्था रहिछि। सेटा निश्चय हबो, सेटा जेमिति एबे भी चालू रहिछि से दुई दिन पूरा सॅनिटायझेशन हबो। और आमे अनुरोध करिछु कि जेते सेवक माने बंधुगण माने छथि से मानकर तांको परिवार रे जेमिति कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जहाँकि आम मास्क पिंधारू नहीं सानिटाइजर यूज करवा से भी जमी रबू आम द्वार सानिटाइजर लग सारी आम जहाँ धाड़ी व्यवस्था धाड़ी परिचालना व्यवस्था जहाँ सामने कराटा कम आरंभ होती भी प्रति धाड़ी सानिटाइजर व्यवस्था रोटा आम निश्चय एनश्योर कर चेकिंग तो निश्चय हम कि चेकिंग पाई कौन व्यवस्था करिवा को पड़िवो हमें से लाइट निर्धारण करी करी करिवो। से 16 तारीख को खोलिवा टके आउथे रिपीट कर समस्त जान श्री मंदिर 16 तारीख रु हमें पुरी रो बासिंदा मानक पाई प्रथमे 16 तारीख रु महाप्रभु को दर्शन पाई खुला हबो। ता परे 23 तारीख रु समस्त को पाई एटा व्यवस्था आरंभ हबो। से व्यवस्था रे कटकना दुटा रहिची। प्रथमे कटकना रहिला कि से मान जे दर्शन पई आसुछंती आसीबे भक्त माने से मानंकर दुईटा वैक्सीन डोज लागी सारी थिबो, तांको डबल वैक्सीनेशन रो सर्टिफिकेट थिबो, किंबा जदि दुईटा डोज लागी नहीं तो से माने आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नै करी आसीबे। जो आपण देखुथले प्रथम पांच दिन पुरीवासी को मिलिबो दर्शनर सुजोग, किंतु मंदिर भितर को आपण जदि प्रवेश करबा पई चाहुचंती आइदर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट हाथरे धरिबे नहले दुईटी डोज आपण नेइचंती तार प्रमाण देखेबा पई पडिबो, ताहले जाई श्रीमंदिर भितर को आपण प्रवेश करि पारिबे। किंतु जगन्नाथ प्रेमी को पई खुशी खबर आश्वस्तिर खबर जे आसंता 16 तारिख रु श्रीमंदिर खोलिबो जगार दर्शन करि पारिबे। एवं एते दिन धरि मंदिर बंद थिला दर्शन अभिलाषी भक्त माने निश्चित भाव में जगा दर्शन पाई वर्तमान टू प्रस्तुति आरंभ करेंगे। 23 रु समस्त श्रद्धालु जगा दर्शन पाइबे सुजोग पाइबे दर्शन पाई कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक नचेत आपण देखेबे दुईटी डोज टीका आपण नेइछंती तार प्रमाणपत्र। आसंता 16 तारीख में श्रीमंदिर खोलिबो। छत्तीसा नियोग बैठक में एभळे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि। बैठक में विचार विमर्श होइछि मंदिर खोलिबो ना नाही ए आशंका भितरे द्वंद्व भितरे समस्ते रहिथिले जे श्रीमंदिर खोलिबो ना नाही, कारण पुरी रे अनेक मंदिर खोलिछि पर्यटन पीठ मध्ये खोलिछि। श्रीमंदिर खोलिबा उपरे बैठक चालिथिला। बैठक परे ये होछि निष्पत्ति। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्यंकर पीए तथा कोटिपति किराणी बिरंची साहूंक पई अड़ुआ बढ़ी पारे लागिछि, कारण आगरु विजिलेंस तदंत करथुबा बेले बे तदंत करिबो प्रवर्तन निर्देशालय। ए सबो भितरे सबुठ बड़ प्रश्नर उत्तर खोजी पारिनि विजिलेंस। दुर्नीतिरे बिरंचिंक सह आउ क्यों बड़ बड़ बाबूंकर संप्रुक्ति रहिछि।
एवं तदंतकारी संस्था संपृक्त बड़बाबू पाखे पहुंचब तो ये एक विराट प्रश्न। विरंचों पर बढ़ला अड़ुआ विजिलेंस परे घांटिबो ईडी बड़ बाबू को छुई पारिबो तो दुई तदंतकारी संस्था बहुचर्चित ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सदस्यों पीएस बीरंची नारायण साहू आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग मामलार तदंत कर प्रवर्तन निर्देशालय बीरंची निजर चाकरी समय सीमा मध्य एत अधिक परिमाण संपत्ति केमिति ठूल कले तार खोलताड़ कर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग समेत मोट संपत्ति और विदेशी टंका केउठु आसला तार संधान कर प्रवर्तन निर्देशालय एथिपाई प्रिभेंशन ऑफ करप्शन आक्ट रे तदंत आरंभ होइछि। सेपटे चारि दिन रिमांडर आज प्रथम दिन में बीरंची को माराथन जेरा करिछि विजिलेंस केउटु आसिला एते टंका कहा साहाज्य रे चालितिला नियुक्ति केलेंकारी एबळे किछि प्रश्न सह विजिलेंस निर्देशक यशवंत जेठवांक सह आईजी संजय कौशल बीरंची को दुई घंटा जेरा करिछन्ति। बड़ प्रश्न बीरंची को पछरे बड़ बाबू किए बड़ बाबू को पाखरे विजिलेंस और ईडी पहुंचबो ना बीरंची को पाखरे ही तदंत अटकबो आमे केसटा रजिस्टर करचो सब दिगरे तदंत करबो ताको मनी लॉन्ड्रिंग मेस्ट तो मनी लॉन्ड्रिंग नथरे से सब मनी लॉन्ड्रिंग कवर चल दिस सस्पेक्ट सेपटे बीरंची को नै आउ एक चांचल्यकर तथ्य सामना को आछि। सचिवालय रे सुरेंद्र प्रधान नामक जने ड्राइवर थिले बीरंची को डाहाण हात ओ एसएससी विभाग रो अवसर नैतिबा खुंटिया बाबू को माध्यम रे बीरंची को सह मिसी नियुक्ति नै डील करथिले बोली होइछ अभिजोग तबे बीरंची को ठारु टंका नै मालामाल होइतिबा हायर बॉस को विजिलेंस ट्रैप करबा दरकार बोली कहिसंती पूर्वतन विजिलेंस अधिकारी सुरेंद्र प्रधान बोली जने ड्राइवर सेक्रेटरीट रो से होची तांको घर कान्हापुर निमापड़ा थरे आउ अमर जो सेठी से प्रथम पशिला ता भितर सिलेक्शन बोर्ड रे अमर जन खुंटिया बोली अछंती पशिकरी विभिन्न अंचल रु सब एम्प्लॉय मान टंका आनी जो मैंने इंटरव्यू दौले से टंका आणिक सब कारबार करथला सांको मु अभियोग करिया कोइछि विचार तळ होछि ये लोक भी गोटे रूट ता धरे अछि बीरंची केस रे या को अंतर्भूत करा जाउ तेणु एथरो आशा करा होछि जदि या पाखरे एते गुडा संपत्ति आउछि त तार जो मैंने हायर बॉस तुम्हारे सुपरियर अथॉरिटी से चेयर नहीं कि मालामाल होते तेनाली भिजिलेंस ये सब एंगल पचराबुझी कर खोलताड़ कर छाड़ा घर जो कागजपत्र मिले से कागजपत्र पर विभिन्न दिगक नहीं आलोचना करेंगे पर्यालोचना करेंगे और तो भेरीफाए करेंगे। चाकरी दुर्नीति भितर परीक्षा विलंब को नहीं बद को आसी ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन 2017 मसीह बाहरी निजुक्ति एपर्त कही चाकरी पाइन बेले 2018 बाहरी निजुक्तिर एजाए परीक्षा होना विलंब जो दुर्नीति हेबार सुजोग सृष्टि होता कहते आशायी प्रार्थी अभियोगटा हूँ आज्ञा गोटे गोटे एग्जाम प्रोसेस गोटे एग्जाम प्रोसेस को 4-4 वर्ष 5-5 वर्ष कौन पर स्टे एग्जाम प्रोसेसटा क्विक कहीं होनी आज्ञा 18 मसीह आम सीपीएससी एग्जाम भरलुँ कंबाइंड पुलिस सर्विस एग्जामिनेसन तार एग्जाम एपर्त होना ये लेंदी एग्जाम प्रोसेस को दुर्नीतिर आशंका से बढ़ी चलो सामान्य किराणी कोटिपति यासह निजुक्ति दुर्नीति नहीं संगीन अभियोग प्रश्न उठू बीरंची सामिल बड़ बाबू केबे धरा पड़े केबे से विरोध में कार्यानुष्ठान नब विजिलेंस खोल तो निजुक्ति दुर्नीतिर महागुमर भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन जितेन्द्र रोशन रथ का रिपोर्ट अर्गस न्यूज प्राइम टाइम रे समय छोटो ब्रेक रो एसएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला पुलिस और क्राइम ब्रांच रो तदंत को नहीं असंतोष प्रकाश कले सौम्य परिवार मां तुलसी कहिले न्याय न पाइले मुख्यमंत्री बासभवन आगे देव आत्महुति सेपटे एसआईटी गठन किंबा सीबीआई तदंत करने दाबी जोर धरला मंत्री विक्रम आरुक्कर इस्तफा दाबी सरकार बुझले जंगल मंत्री विक्रम आरुक डीएफ को सुरक्षा दे पुलिस घंट घोड़ाइला
आउ न्याय पई एबे मुख्यमंत्री भरोसा। मुख्यमंत्री न्याय न देले नवीन निवास सम्मुखरे आत्माहुति देबाकु एसीएफ सम्यरंजन महापात्रंको मां तुलसी महापात्रंको चेतावनी। एसीएफ सम्यरंजन महापात्रंको मृत्यु घटनाकु दिन परे दिन बीती जाउथुबा बेले पुलिस और क्राइम ब्रांच तदंत करिबा परिवर्ते अभियुक्तंकु सुरक्षा देउचंती। निरपेक्ष तदंत सह एसआईटी गठन किंबा सीबीआई द्वारा घटनार तदंत पई दाबी करिसंती सम्यंको परिवार। आ मुख्यमंत्री को साक्षात करिबाकु बालेश्वर भुवनेश्वर आसिचंती सम्यंको परिवार। सम्यंको परिवार रो अभियोग डीएफओ संग्राम बेहरांकु सुरक्षा देउचंती मंत्री विक्रम केसरी आरुख। पुलिस थाना को विद्या भारती को न डाकी निज घरे कथाबार्ता हेबा पछरे कौन रही रहस्य। समय को मर्डर करा जाइछि आ एथिरे विद्या भारती संप्रुक्त अछंती। न्याय पाई मुख्यमंत्री डीजीपी पीसीसीएफ को जणाइथिले मध्य केही न्याय देलेनी। बड़ बड़िया अफिसर को सुरक्षा देउछंती एवंको सुरक्षा पाई ऊपर महलरु चाप पडुछि। न्याय मते मिलिया पाई म कहउछि कि जदि नया न मिलिबो सबुदने गांधी गांधी मरिया अपेक्षा नवीन निवास आत्महत्या करिया ठीक सेठ पड़ी मरजी आ कहीं आम दरकार बचिक लाभ कौन आम तो जहाँ बचित सी तो चलीगला कई तो आम कथा कहीं बुझे चीफ मिनिस्टर को ऑफिस रे जीवु चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पाखे गुहारी लगे जहाँ आम रही केवल आम कागज पत्र छड़ा किसी करें कारण साधारण लोक आज किसी ये ना तो केवल आम गुहारी लगे जाऊे मुझे जमी निरपेक्ष शासन करमी निरपेक्ष भाव में मो भाई को न्याय मिलवाई से सहयोग करूँ केवल सीएम चाहिए ही निरपेक्ष तदंत हो पार सर मुझ सरकार को खाली ये भिक्षा करेतु आम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भारत जने माने नंबर वन चीफ मिनिस्टर आउ से उड़ीसा रे भी जो फिफ्थ टर्म रे जो 25 वर्ष पाई से शासन दायित्व रे अच्छा माने मु भाबुची से आमको न्याय देबे। अपरपक्षे एसीएफ सम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटन अभियुक्त को मंत्री विक्रम आरुख घंट घोड़ा अभियोग आसवा पर मंत्री आरुख निर्वाचन मंडल में प्रतिक्रिया प्रकाश पाई घटनार निरपेक्ष तदंत मंत्री प्रथमे जंगल विभाग पदवीर इस्तफा देवा दावी जोर धरी सी बापा जिते बड़े ये जिनस उपस्थापन कले निश्चय सत्यता अच्छी सत्यता को निजर सम्मान दृष्टि विक्रम आरुख पदवीर इस्तफा देवा दरकार कहीं स्वच्छ निर्मल शासन पर दुआही देखा बीजेडी सरकार मुक्त छाड़ दिंतु सी पदवीर ओहरी जातु। सौम्य महापात्र बापा जिते कहले मंत्री विक्रम आरुख संपूर्ण एथे हस्तक्षेप अच्छी डीएफओ घंट घोड़ा एसीएफ मर्डर केस को चापी देवाई से चाहते नैतिक दृष्टि विक्रम आरुख पदवीर जंगल विभाग पदवीर इस्तफा दे ए केस सौम्य महापात्र बापा सहयोग करा कथा सौम्य हत्यारे संप्रति नथि बोले कोहले आपण चिंता करछन्थि जदि जणे बापा कहुछि मो पुओर हत्याकारी सी तेबे आपण भावंतु सी तार हृदय कहुछि सी राजनीति करूनाई कि का उपर दोष देवाई चाहूनी किंतु मंत्री ए विषयटा को पूरा चुपचाप शुणुचंती शुणी की भी नजाला रही जदि आप देखिए मंत्री ए विषय न कहार संप्रति आम जल जल आखिरी देख पाऊ केउठु पड़ुछि चाप जंगल विभाग जड़े क्लास वन अफिसर मृत्यु एवं रहस्य भितर थे केवे मिलिबो सम्यंको परिवार को न्याय ताकु नै उठिछि प्रश्न। सिमोलियारु मनोज प्रधान भंजनगर धनंजय पटनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ओडिशारे केन्द्रीय योजनार हरिलुट हेउछि लोकसभारे धरा पड़ा सरकार आवास दुर्नीतिर सत मंत्री व सचिव को खसाइबाकु तळियाकर्मी उपरे हेउछि कार्यानुष्ठान। बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी प्रश्न में आवास दुर्नीतिर मिछ को पदारे पकाइछि विभागीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति उत्तर। ओडिशारे केन्द्रीय योजनार हरिलुट लोकसभा धरा पड़ा सरकार आवास दुर्नीतिर सत मंत्री और सचिव को खसई देवा तलीय अधिकारी उपरे कार्यानुष्ठान। लोकसभा पहुंचला राज्यर आवास दुर्नीति प्रसंग बरगढ़ सांसद सुरेश पुजारी प्रश्न में विभागीय मंत्री स्वाधीन निरंजन ज्योति उत्तर राज्य सरकार आवास केलेंगारी को पदार पकई ए मंत्री कहते फनी प्रभावित अंचल 775 जन 696 जन अयोग्य हिताधिकारी राज्य सरकार स्वीकार कर सेपरि प्रधानमंत्री आवास योजन अनियमितता अभियोग 56 जन हिताधिकारी 39 जन हाथी पक्का घर जो बेगुनिया ब्लॉक पीओ को निलंबन करा अर्थ आदाय पाई कहते राज्य सरकार तेरे यह सुरेश पुजारी सठिक तथ्य नदे
नेता मंत्री और बड़ अधिकारी को खसैवाक योजना करछंती राज्य सरकार। प्रशासनिक अधिकारी मानक विरुद्ध कौन कार्यानुष्ठान राज्य सरकार ग्रहण करना। नंबर वन गुणात्मक मान को लेकर जो अभियोग सब आईला तार संपूर्ण तदंत समाप्त करना। फेब्रुआरी 9 रु 11 मध्य केन्द्रीय टीम ओडिशा रे आवास दुर्नीतिर तदंत करते तदंत समय जमापड़ा घरे पीएमजीआई लोगो नथिला निम्नमानर काम सह अनेक असंपूर्ण घर को मध्य आवास पोर्टाल संपूर्ण बोली दर्शाईला अयोग्य हिताधिकारी मानक घर मिलता धरीला केन्द्रीय टीम। प्रशासनिक अधिकारी नाक तले यह दुर्नीति होइथिबारु सेमानकु कारण दर्शा नोटिस जारी करने को कहते केन्द्र सरकार। तेरे राज्य सरकार जुलाई 7 तारिख में दाखल कर आक्शन टेकन रिपोर्टर तर्जमा कर खूब शीघ्र कार्यानुषान ग्रहण केन्द्र सरकार। ए रिपोर्ट को आधार कर सरकार को घेरी विरोधी केन्द्रीय कमिटी रिपोर्ट आसला आज संसद रे भी आलोचना आला ओडिशा प्रदेश को अधिका दिन लज्जित करने ओडिशार मुख्यमंत्री ओडिशार सरकार को कौनसी मते सुजोग दिया जीवो नहीं तांकरी बीजेडी कर्मी जहांकर बाटिकियारी कोठार अच्छी गाड़ी अच्छी वेहिकल अच्छी आखि बुजा मान सीमा बार एमिति दुर्नीति केबे कोउटे हे नथला दुर्नीति आदम हे नाही सेटा संपूर्ण रूपे भूल कथा एकता हो नाही। राज्य रे 5T सरकार चली छी माननीय मुख्यमंत्री की मु तो कहूनी भारत वर्षर प्रधानमंत्री निजे आसिक प्रशंसा करके जाउछन्ती। एपटे भद्रक रो तिहिड़ी ब्लॉक कुबेरा पंचायत रे आवास दुर्नीति को विरोध करिवारु गांव किछ लोकंक उपरे शासक दल लोके करछन्ती आक्रमण जहार सर्जमी तदंत पई ग्राउंड जीरो रे पहुंची छी राज्य बीजेपी रो प्रतिनिधि मंडली घटनार प्रकृत तदंत करी पदक्षेप नेबा राज्य बीजेपी सभापति दाबी करछन्ती। गरीब लोकंक न्याय पई गुहारी करिया को जिबे तांको पहार पकेइबो तांको झाली एकी देखेइबो तांको जेल पठेइबो ये को बोली कथा अछि ये गणतंत्र पई ग्रहणीय नुहे ये विषय निश्चित रूपे गंभीरतार सह राज्यर मुख्य चिंता करिबा उचित नचेत आगामी दिन में ये जो तृणमूल स्तर से जहाँ हम तक संभाली पारे ना तेब एठार प्रश्न आवास दुर्नीति में संपृक्त केते जन छोट छोट अधिकारी कार्यानुषान नहीं मंत्री प्रताप जेना और तत्कालीन सचिव देवरंजन सिंह को खसाई देवाई सरकार योजना करना तो दिल्ली गगन विश्वाल भद्रक दीप्तिरंजन साहू और भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य सरकार का ग्राम्य उन्नयन विभाग में चली ठिकादार पोषण तेरे सरकारी राजकोष लुट कर चली कर्मी पोषा जाजपुर जिलार आरडी डिविजन रे बन्या एवं बात्या आल रे खाई जाइछंती कोटी कोटी टंका मिलिथिबा तथ्य आधार रे 1356 टी के 2 कार्य को हाथ चिठा जरिया रे चळु करछंती जंत्रिया ठिकादार पूर्वरु मध्य बळे अनेक अभियोग सामना को आसी छी या उपरे विभागीय विभागीय कार्यानुष्ठान मध्य सुन रही छी आउ ए घटना पदा को आसीबा परे चर्चा को आसी छंती जिल्लार गंडा गंडा विधायक ग्राम्य उन्नयन विभाग रे विचित्र व्यवस्था राजकोष रे चूर्ण लगेबापई नियम को निज बाटर नेउछंती विभागीय जंत्री आ जंत्री मानक मंत्री बल देउथिबार अभियोग आ पूर्ण थरे विवाद रे ग्राम्य उन्नयन मंत्री सुशांत सिंह और तांकर पूरा टीम टेंडर न करी केमिति के टू माध्यम रे विभाग रे ठिकादार फसा चली यार संगीन चित्र आसी जाजपुर जिलारु आ एसबु मध्य रे चर्चा रही जाजपुर जिलार समस्त विधायक के टू माध्यम रे केमिति निज दलर कर्मी को पोषा चली एमती संगीन अभियोग आसी जिले में नजर पकातु यही दस्तावेज उपरे केमिति विभाग कर्तृपक्ष ठिकादार को खुशी करने गोटे काम को 20-25 भाग कर के टू प्रक्रिय दि जाऊँगी समान ठिकादार को जहाँकि गोटे वर्ष से 1356 के टू जरिया कोटे ऊर्ध टा आत्मसात होइथिबार अभियोग जो टा राज्य राजकोष को आसवा कथा से टा एवं जाऊँगी विधायक अमला और ठिकादार पकेट को आ जाजपुर जिले में ग्रामांचल रास्तार विकास रही आरडी डिविजन केमी लोकों विकास अर्थ से चून लगाऊ यार खुलासा होजपुर निश्चित भाव ग्राम्य उन्नयन जाजपुर ग्राम्य उन्नयन विभाग एक दुर्नीतिर गंताघर पलटी एथेर सन्देह ना कि निर्दिष्ट ठिकादार आ निर्दिष्ट जंत्री एथेर तांकर पकेट गरम हो नवीन पट्टनायक जिते 5T कथा कहते सेत के टूर कथा को देखिले ये आकाश पाताल भली लगुच
सरकार गोटे दिगरे जाउचंती तळ स्तररे तांको कर्मचारी लूटरे मातिचंती जहाँ एथरु स्पष्ट भाव प्रमाण करुची। देखो जो आर डी डिपार्टमेंट रही से डिपार्टमेंटा बिल्कुल दुर्नीतिग्रस्त डिपार्टमेंट आठी जो डिपार्टमेंट जो स्टाफ मैंने अच्छा इठिकार स्थानीय विधायक बछा बछा स्टाफ आनी जो मान विधायक कथा शुणे चमचागिरी करेंगे आई मान एठिका डकाई कहार पुषमास तो आउ कहार सर्वनाश बन्या बात्या आसिले साधारण लोकर सर्वनाश होता बेले नेता मंत्री जंत्री और ठिकादार होती मालेमाल। जाजपुर जिले में बात्या फनी समय मिछरे रास्ता सफा करवा रास्तु गच्छ उठाइबा और बन्या समय धोई जाइथिबा किंबा दबी जाइथिबा रास्ता को मरामति करिबा आलरे आदि विभाग हाथ चिठा जरिया ठिकादार को बांटी काम निर्दिष्ट केतोटि ठिकादार को गोटे काम को भिन्न भिन्न भाव विभक्त कर टंका मंजूर कर आदि विभाग बात्यार प्रभाव पड़ नथिबा अनेक ब्लॉक रे मध्य बात्या आलरे टंका हरिलुट होइथिबा एही दस्तावेज ही प्रमाण करुछि। अन्यपटे जिलापाल कहते यार तदंत कर आवश्यक कार्यानुषान ग्रहण कर नहीं ये जो अच्छे इनफर्मेसन मो नजर भी आसाना परंतु ये जो कार्य अच्छी प्राय दुई वर्ष पुराना कार्य अच्छी तो आम वर्तमान जो अच्छी से आर डी एक्जिक्यूटिव इंजीनियर को ऑलरेडी कहलु से सब डॉक्यूमेंट नहीं कि आसते बसिकी जो डॉक्यूमेंट जो एक्सप्लेनेशन अच्छी जो जो एलिगेशन अच्छे ही विल कम एंड एक्सप्लेन तो आई थिंक विद इन नेक्स्ट टू डेज आम क्लीयर हो कौन असुविधा अच्छी जो आर टी आई जो इनफर्मेसन पाई कौड़े इफ देर इज अ वायलेशन ऑफ द रूल्स एनीवेयर स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। कोरोना कहर समय विवाद ग्राम्य उन्नयन विभाग केन्द्रापड़ार राजनगर में निम्नमान काम कर कोटि कोटि टंका स्वाहा पुणी गंजाम छत्रपुर में निम्नमान पिचु काम कर विवाद मंत्री सुशांत सिंह विभाग तेज जाजपुर आर डी डिजन में के टू कार्यपाई चर्चार रही जाजपुर होता ए के टू दुर्नीतिर केवे तदंत कर कार्यानुषान समस्त नजर जाजपुर कैमेरा पर्सन शक्ति सौरभ परमेश्वर बेउरिया रिपोर्ट अर्गस न्यूज़। समय बुलेटिन को नमस्कार।